हेलो फ्रेंड्स, रॉयल अबुटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको खजूरी सलवार की कटिंग करके दिखाऊंगा और उसकी सिलाई करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे सामने 4.5 मीटर कपड़ा है, ये हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। खजूरी सलवार बनाने के लिए हमें कम से कम 4 मीटर कपड़े की जरूरत होती है, उससे एक्स्ट्रा आप चाहो जितना भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इसका जो मेजरमेंट है हमारे सामने, इसकी लंबाई है 40 इंच और इसकी जो बेल्ट तैयार रहेगी 24 इंच और इसकी जो मोरी की चौड़ाई रहेगी वो 11 इंच। तो सबसे पहले हम इस वेस्टेज को निकाल लेंगे। अब हम जैसे हम आम सिलवार काटते हैं जो सिंपल बेल्ट वाली, उसी के हिसाब से लेंगे इसको। लंबाई इसकी 40 इंच है तो 5 इंच कम कर लेंगे इसमें से। 35 इंच पे एक निशान लगाएंगे, एक निशान इधर से, इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े में से हम अपने बेल्ट और पार्ट निकाल लेंगे। पार्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 इंच। 8 इंच एक निशान इधर से, एक यहां से और एक सेंटर से लगा लेंगे। इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। अब बेल्ट की चौड़ाई जो हमारी तैयार है 24 इंच, 1 इंच मार्जिन के लिए, 25 इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये 2 फोल्ड कपड़ा है तो इसको बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कली की कटिंग करेंगे। अब हमने जो बाकी कपड़ा बचा हुआ था हमारा, उसको 2 फोल्ड कर लिया है इस तरह से पूरे कपड़े को, और अच्छी तरह से टेबल पे बिछा लिया। ये देखिए इस तरह से। अब जो हम कली की कटिंग करेंगे वो आड़ी तरफ से करेंगे, कन्नी की साइड से नहीं, इधर से लेंथ लेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से बिछा लेते हैं कपड़े को। तो एक निशान हम कन्नी की साइड से 35 इंच पे लगाएंगे कली की लंबाई का, और 2 इंच इधर से, ये लगा लिया। अब हम कन्नी की साइड आ जाते हैं लंबाई की तरफ, और इसकी जो लेंथ लेंगे हम मिनिमम जो है ना, आप 51-52 इंच तो लेनी है, इससे ज्यादा आप कितने भी ले सकते हो कपड़े के हिसाब से। तो मैं पूरी 60 इंच पे ले जाऊंगा इसको यहां तक, और एक निशान 8.5 इंच पे आसन का निशान लगाऊंगा इस तरह से। अब इन दोनों निशान को, इसको और जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था नीचे, ये इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे एक सीधा बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से हमारी 2 कलियों की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से। ये दो कली की कटिंग हो गई है। अभी हम इस कपड़े को घुमा लेंगे इस तरह से। और इस कपड़े के ऊपर अपनी कटी हुई दो कलियों को रख लेंगे। पहले हमने इसको लंबाई की तरफ से मिलाना है। इस तरह से यहां से मिला लेंगे बराबर करके। ये इधर से मिल गई। इसको अच्छी तरह से हमने बिछा लिया है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। यहां से और इधर से भी है। सभी कलियों को बिल्कुल बराबर काटना है, कोई भी छोटी बड़ी ना हो। इस तरह से अब इसके बाद हम जो है ना नीचे की तरफ से कली के नीचे की तरफ से यहां से चार चार इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरह से। चार, ये भी चार और लास्ट तक ऐसे करते चलेंगे। और लास्ट में जब हमारा 10-12 इंच रह जाएगा तो हम मार्क खत्म कर देंगे, इससे आगे हम नहीं लगाएंगे। कम से कम 10 इंच का हमारा स्पेस ये यहाँ स्टन तक, तो ये हमारा 11 इंच रह गया। अब हमने जो ये निशान लगाए हैं चारों कली में बराबर लगे हुए हैं, और इसी प्रकार एक का को पकड़ के हमने कट लगा देना है इस तरह से, अच्छी तरह से, ताकि ये निशान चारों कलियों में लग जाए। इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगा और उसके बाद बताना कि इसकी लुक कैसी लगी आपको। पहले हम इसकी सिलाई कर लेंगे, लास्ट में बेल्ट डालेंगे, और बेल्ट से पहले हम ये प्लेटें डालेंगे। पहले हम इसकी ये कलिया जोड़ लेते हैं और मोरी बना लेते हैं, उसके बाद इसकी आपको प्लेटें डाल के दिखाऊंगा। हमने कली और पार्ट को जोड़ के तैयार कर लिया है, ये देखिए। अभी हमने बेल्ट को नहीं लगाया इसे,
बेल्ट को, ये मोरी भी हमने तैयार कर ली है, ये प्लेटें डालेंगे हम पहले, उसके बाद हम बेल्ट को लगाएंगे। तो आइए मशीन पे लेकर चलते हैं, आपको मैं प्लेटें डाल के दिखाता हूँ इसमें। अब हम जो सिलवार की मोरी है उसको मार्क कर लेंगे, इस तरह से इसको। अभी हमारी यहां से प्लेट चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो ये कट लगाया, इस तरह से हम कपड़े को मोड़ेंगे और कट से कट मिला के ऊपर ले कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे। ये हमारी एक प्लेट तैयार हो गई। इसी तरह से हमने सारी प्लेटों को डालना है। पौन इंच के करीब एक प्लेट डलेगी इस तरह से। जैसे हम एक प्लेट डालते हैं, उसके बाद जो दूसरी प्लेट डालेंगे उसके लिए हम इन कटों को आपस में मिला लेंगे जरूर, ताकि हमारी प्लेटें छोटी बड़ी ना हो। इस हिसाब से हम सारी प्लेटों को डाल लेंगे। ये देखिए कैसे लुक आ रही है पीछे से। और ये लास्ट में हमने जो 10 इंच स्पेस छोड़ा था, सीधी सिलाई लगा लेंगे और आसन तक उतार लेंगे। इसके बाद हमने दूसरी तरफ से ही इसी तरह से प्लेट डालनी है, दूसरे सिरे से इस तरह से। इधर भी मार्क लगाएंगे एक, यहां से फिर शुरुआत करेंगे। अब ये सारी प्लेट जैसे हमने उस तरफ डाली है, इस तरह से डालनी है। और ये भी प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसको सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगा लुक किस तरह की आई है।
देखिएगा कुछ इस तरह से लुक आई है। अब इसको सीधा करके दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिएगा कुछ इस तरह से लुक आती है इसकी सीधा करने के बाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।